वेलकम टू माई चैनल अकॉस्टिक एल्बम। मैं हूँ आरती और आज हम करेंगे एक लेसन। द सॉन्ग इज जान निसार फ्रॉम द मूवी केदारनाथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सॉन्ग में आपके बहुत सारे बार कॉर्ड्स यूज हुए हैं, तो उन बार कॉर्ड्स को अवॉइड करने के लिए हम केपो लगाते हैं। तो केपो यहाँ पे लगेगा फोर्थ फ्रेट पे। सो दिस इज नॉट अ केपो, ये मैंने थोड़ा आइडिया यूज किया है, जुगाड़ बोल सकते हैं। सो ये आपका फोर्थ फ्रेट पे लगेगा। इसके बाद आपके जो कॉर्ड्स होंगे थोड़े इजी हो जाएंगे, ऑल ओपन कॉर्ड्स। सो योर फर्स्ट कॉर्ड इज सी कॉर्ड। तो सी कॉर्ड के लिए आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, मिडिल फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, एंड रिंग फिंगर रहेगा फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका सी कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज ई कॉर्ड। तो ई कॉर्ड के लिए आपका रिंग फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, एंड मिडिल फिंगर रहेगा फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट इज योर एफ कॉर्ड। तो एफ कॉर्ड के लिए आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स के फर्स्ट फ्रेट पे, ओके। मिडिल फिंगर रहेगा थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, रिंग फिंगर रहेगा फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, एंड पिंकी फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, ऐसे, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका एफ कॉर्ड। अगर आपको ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसे फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स नहीं होल्ड की जाती, तो आप सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे भी इसको रख के आप एफ कॉर्ड होल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट कॉर्ड इज ए माइनर कॉर्ड। तो ए माइनर कॉर्ड के लिए आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, मिडिल फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, एंड रिंग फिंगर रहेगा थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका ए माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट इज डी माइनर कॉर्ड। तो डी माइनर कॉर्ड के लिए आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, मिडिल फिंगर रहेगा थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, एंड रिंग फिंगर सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका डी माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज जी कॉर्ड। तो जी कॉर्ड के लिए इंडेक्स फिंगर रहेगा फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, मिडल फिंगर रहेगा सिक्स स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, रिंग फिंगर रहेगा आपका सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, एंड पिंकी फिंगर रहेगा फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका जी कॉर्ड। तो ये सॉन्ग के स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रो पार्ट बजता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसका जो फर्स्ट नोट है वो सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे है। तो ये है सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ये है आपका फर्स्ट नोट। नेक्स्ट इज
तो आपको इसमें क्या करना है कि थर्ड फ्रेट प्ले करके आपको फिफ्थ जो फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग का उस पर उसको हैमर करना है। तो हैमर का मतलब आपको बस हिट करना है, ऐसे प्ले करके हिट प्ले हिट एंड देन प्ले द फिफ्थ फ्रेट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। तो ये पूरा आपका ऐसे बजेगा, ये 2 बार आपका प्ले होगा। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके फिफ्थ फ्रेट पे इसका नेक्स्ट नोट है, फिर थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर से सेकंड स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे, फिर थर्ड फ्रेट पे और फिर फर्स्ट फ्रेट पे, देन ऊपर वाली थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ये फर्स्ट पार्ट है इंट्रो का, तो ये आपको मैं पूरा प्ले करके बताती हूँ। फिर नेक्स्ट में भी सेम ही प्ले होगा, ओके? यहाँ तक पूरा सेम ही होगा, फिर आगे फिर से आपको थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट प्ले करना है, फिर फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, फिर फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ओके? यहाँ से, ओके? तो ये पूरा आपका प्ले होगा। ये हो जाएगा आपका इंट्रो पार्ट। तो इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है थोड़ा अलग टाइप में है, इट विल बी लाइक डाउन अप चक डाउन अप चक। तो ये जो चक है इसका मतलब कि आपको जो ये स्ट्रिंग्स बज रही है उसके ऊपर स्लैप करके जो ट्यून बज रही है उसको म्यूट करना है। इट विल बी लाइक डाउन अप चक से स्लैप डाउन अप चक। पूरा जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो ऐसा है, डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक, ओके?
If you like my video, do like, comment, share and subscribe to my channel Acoustic Album. If you have any doubt, ask me in the comment section. Thank you.